वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इम्पॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजी के पीवाईक्यूज़। ओके फ्रेंड, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑन मैजिक एमंग ह्यूमन सोसाइटी वाज डन बाय। तो कौन सा एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो है मैजिक पे बहुत एक्सटेंसिव स्टडी की है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ फ्रांस बॉस, इमाल दरखाइम, मैक लेनन या फिर जेम्स फ्रेजर। तो हम सबको पता है कि जेम्स फ्रेजर ने मैजिक पे बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडी की है, मैजिक रिलीजन और साइंस पे। सो करेक्ट ऑप्शन इज जेम्स फ्रेजर। फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच ऑल रिलेशनशिप कैन बी ट्रेस्ड ऑन अ जीनियोलॉजिकल डायग्राम। एक जीनियोलॉजिकल डायग्राम जब हम बनाते हैं तो जो सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट होता है, जहाँ से हम सारे सारे रिलेशनशिप को ट्रेस करते हैं कि कैसे कैसे रिलेशनशिप है लोगों का आपस में, तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इज इट ईगो, सेंट्रम और सुपर ईगो। तो आपको पता है कि उसको ईगो बोलते हैं। वो पर्सन जिससे हम सारे जीनियोलॉजी को ट्रेस करते हैं उसको ईगो कहा जाता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। सोशल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू रैडक्लिफ ब्राउन refers to the study of। रेडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी स्टडी है? रोल्स की, स्टेटस की, ग्रुप्स की या एसोसिएशंस की? तो फ्रेंड्स, एज पर द डिफिनीशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन बाय रेडक्लिफ ब्राउन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द स्टडी ऑफ रोल्स। रोल्स की स्टडी को इन्होंने कहा है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। Those aspects of society that are considered ordinary having no special religious significance। सोसाइटी के ऐसे पार्ट जिनका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं होता उनको क्या कहते हैं? प्रोफेन, सेक्रेड, सेक्युलर और स्पिरिचुअल। तो आपको पता है उसको प्रोफेन जोन कहते हैं। सो अगर आप किसी, मान लीजिए ऐसे मेले में गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कुंभ मेले में हैं और उस पे दो जोन होते हैं, एक जगह जहाँ पे झूले वगैरह रहते हैं और दूसरा पार्ट जहाँ पे कथाएं चलती रहती हैं, तो ये जो झूला वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये प्रोफेन जोन है, और जहाँ पे पूजा पाठ और ये सब हो रहा है वो क्या है? सेक्रेड जोन है। ओके फ्रेंड्स, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोफेन जोन बोलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, अल्जाइमर डिजीज़ लीड्स टू। अल्जाइमर डिजीज़ से क्या होता है? मेलन्यूट्रिशन हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, कैंसर हो जाता है या फिर डेमेंशिया हो जाता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको पता है कि जो अल्जाइमर के मरीज होते हैं उनकी धीरे धीरे याददाश्त कम होने लगती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेमेंशिया। ओके फ्रेंड्स, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। एमंग द लिविंग एप्स, जो लिविंग एप्स हैं हमारे, लिविंग एप्स, द जेनेटिकली क्लोजेस्ट टू ह्यूमन इज। ह्यूमन के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है? जेनेटिकली सबसे ज़्यादा क्लोज कौन पाया गया है ह्यूमन के? गोरिल्ला, चिंपैंजी, औरंगुटान या गिब्बन? तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमसे जेनेटिकली क्लोजेस्ट सबसे ज़्यादा चिंपैंजी है। ओके फ्रेंड्स, सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। पैलियो प्लेस्टोसिन बाउंड्री इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ विलाफ्रैंकियन फौना से। दीज फौना इंक्लूड। सो विलाफ्रैंकियन फौना में कौन से फौना को लिया गया? फौना मतलब आपको पता है एनिमल्स होता है, और फ्लोरा मतलब होता है, फ्लोरा जो है फ्लावर्स से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, ये एक जनरल बात है जो आपको पता होगी। सो स्पीसीज ऑफ एवीज, स्पीसीज ऑफ लूपस, स्पीसीज ऑफ बोस या फिर स्पीसीज ऑफ डायनासोर। सो आपको फ्रेंड्स ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि जो विलाफ्रैंकियन फौना है ये मैमल्स होते हैं। सो मैमल्स होते हैं, इसलिए इसका आंसर है स्पीसीज ऑफ बोस। बोस की बोवाइन स्पीसीज भी पाई गई हैं विलाफ्रैंकियन फौना में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्पीसीज ऑफ बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एट्थ, प्री हिस्टोरिक आर्ट इज फाउंड ऑल टुगेदर द अपर पैलियोलिथिक पीरियड। अपर पैलियोलिथिक पे आपको पता है कि केव आर्ट, होम आर्ट बहुत से पाए गए हैं। दिस आर्ट बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द साइट इज नोन एज। किस साइट पे सबसे अच्छा जो है अपर पैलियोलिथिक जो प्री हिस्टोरिक आर्ट का एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो किस साइट पे मिलता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला है कॉम्बे ग्रेनाल, दूसरा ऑप्शन है अल्टमीरा, थर्ड है लोगेरी हॉटे या फोर्थ है पारपैलो। तो फ्रेंड्स आपको पता है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अल्टमीरा। अल्टमीरा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अल्टमीरा ये कहाँ है? स्पेन में है, नदर्न स्पेन में ये साइट पाई गई है, और ये साइट जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट निकलती है उसमें भी इसका नाम हो, और यहाँ पे केव आर्ट्स, ह्यूमन के प्रिंट्स, हैंड प्रिंट्स, ये सब भी पाए गए हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्टमीरा। 9th क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कल्चरल वेरिएबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ। कल्चरल वेरिएबिलिटी का क्या काम है? फिजिकल फीचर ऑफ अ कंट्री, द एडाप्टेबिलिटी ऑफ द पीपल, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस या कल्चरल सिमिलैरिटीज। कल्चर वेरिएबिलिटी कैसे आती है? अगर किसी भी जगह कोई जहाँ पे ह्यूमंस रह रहे हैं वहाँ का फिजिकल फीचर्स, मतलब माउंटेनियस एरिया है या फिर डिजर्ट एरिया है, या फिर प्लेन एरिया है, वहाँ लोग कैसे अडेप्ट करते हैं, इस वजह से कल्चर चेंज वेरिएशन होगा कल्चर में। टेक्नोलॉजी वहाँ पे कैसी है, और लास्ट है कल्चर सिमिलैरिटीज़। तो इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं, ये तीन चीज़ें हैं जो कल्चर में वेरिएशन लेके आएंगी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 आर करेक्ट। फ्रेंड्स 10th क्वेश्चन देखते हैं, द 6 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू द एरियाज इन द फॉलोइंग स्टेट। जो 6 शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किन किन स्टेट पे एप्लीकेबल है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या झारखंड। फ्रेंड आपको पता है कि यहाँ पर झारखंड की जगह होना चाहिए मिजोरम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड झारखंड की जगह कौन सा स्टेट है? मिजोरम है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।